नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शिवम शुक्ला, और आपको जैसा है कि टाइटल से ज्ञात होगा, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डिज़ाइन टैग के बारे में। और यहां पर देखें तो सबसे पहला ग्रुप है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है, सबसे पहला ही ऑप्शन इसका भी है पेज सेटअप। पेज सेटअप के थ्रू हम किसी भी स्लाइड का पेज सेटअप कर सकते हैं, मतलब इसकी साइज़ की चौड़ाई कम ज़्यादा या थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, चौड़ाई कौन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर से बड़ा घटा सकते हैं, हाइट को पेज की घटा बढ़ा सकते हैं, नंबर स्लाइड की डिज़ाइन कर सकते हैं, 1-2 जो भी सेट करना चाहते हों। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है जो कि नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछता है कि जो पावर पॉइंट होता है उसकी स्लाइड जो होती है डिफ़ॉल्ट रूप से किस पे सेट रहती है। तो देखिए यहाँ पर लैंडस्केप सेट है, और हम इसको चाहें तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक, नोट्स हैंडआउट आउटलाइन के लिए हम कैसा, पोर्ट्रेट, जब हम हैंडआउट्स निकालते हैं तो उसके लिए पोर्ट्रेट सेट करते हैं और ओके कर देंगे, तो इस तरीके से सारा कुछ इस पर लागू हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद में हमने कुछ इसकी चौड़ाई बढ़ा दी थी, तो इसके कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और फिर बात करें स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड ओरिएंटेशन पर देखिए सबसे पहले यहाँ क्या सेट है डिफ़ॉल्ट रूप से। यही क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड या पेज वो डिफ़ॉल्टली रूप से किस तरीके से सेट होता है, तो यहाँ पे लैंडस्केप सेट है, देख सकते हैं आप, और इसको चाहें तो हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, जैसा चाहें हम वैसा ले सकते हैं, बाकी समय पोर्ट्रेट सेट रहता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है लैंडस्केप सेट रहता है। फिर यहाँ पे थीम अप्लाई कर सकते हैं इस पेज पे, इस तरीके से कोई थीम देखिए थोड़ा सा चेंजेस में आएगा। ठीक, अगर हम नई स्लाइड कोई इंसर्ट कराएं तो उस पे भी सेट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें भी सेट हो जाता है, डिज़ाइन टाइम में कोई भी हम डिज़ाइनिंग मतलब लगा सकते हैं थीम्स की। ओके, फिर ये सारी एक एक करके हैं, आप सबको ट्राई करके देख सकते हैं कैसा दिखेगा। फिर देन बात करेंगे हम कलर्स, अगर जो यहाँ पे कलर्स हैं इनको कलर्स को हम डिफरेंट कलर में चाहते हों तो इस तरीके से देखिए अब नाउ चेंज द कलर एंड फॉन्ट्स, जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो फॉन्ट्स कुछ अलग स्टाइल में दिखने चाहिए, मतलब कुछ दूसरे लैंग्वेज में, तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ से फॉन्ट्स जा करके चेंज भी कर सकते हो आप, देखिए अब चेंज हो रहा है। इफ़ेक्ट्स के थ्रू हम इफ़ेक्ट्स लगाते हैं, इफ़ेक्ट्स के लिए हमको क्या करते हैं कोई एक सेप इंसर्ट करा लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ से गए हम सेप लिए, यहाँ से जैसे ये हमने सेप ले ली है, और इस सेप पर जो है अब हम आते हैं इसको डिजाइन टैब में, और यहाँ से जा करके लेकिन बहुत मामूली चेंज मालूम पड़ता है। देखिए जब हम इस पर घुमा रहे हैं तो हल्का फुल्का चेंज पता चल रहा है ना, तो ये इफ़ेक्ट्स के थ्रू पता चलता है। ठीक, अगर हम इस पर और पहले से इफेक्ट लगा लेते और यहाँ पे लाते तो और भी अच्छे से पता चलता। देन हम बात करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल के बारे में, बैकग्राउंड स्टाइल जो पीछे से स्टाइल्स की है, अब चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं, ठीक, तो इस तरीके से बैकग्राउंड स्टाइल चेंज हो जाती है। जो बैकग्राउंड में ग्राफिक्स वगैरह हैं उनको चाहें तो हम हाइड भी कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन बचता है। देखिए अब ये यहाँ पर ग्राफिक्स जो दिख रहा था वो हाइड हो चुका है। बैकग्राउंड स्टाइल्स में अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ से जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड अपने आप से भी सेट कर सकते हैं। सॉलिड फिल में एक ही कलर रहता है, जो भी चाहें सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर हम बढ़ा दें तो जो पीछे का होता है वो ज़्यादा दिखने लग जाता है और ये हल्का हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अच्छा सा एक सेट कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ओके, सब पे ये चीज़ सेट हो जाती है। इस तरीके से हमारा जो है ये डिज़ाइन टैब समाप्त होता है, और आगे के वीडियो में बात करेंगे हम एनिमेशन टैब के बारे में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आगे बात करने के लिए